ये भारतीय जनता पार्टी जो सोच है ये नफरत और घृणा की नींव पे बनी हुई है। वो वर्ग जो जातिगत जनगणना की बात करता है ST SC OBC का, वो देश के संसाधनों पर अपना हिस्सा मांगता है, हक मांगता है। जो गरीब अति गरीब है अगर वो जातिगत जनगणना के अनुसार हिस्सेदारी मांगता है तो ये BJP के लोगों को बुरा लगता है। राहुल गांधी जी वो बात उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा जातिगत जनगणना करवाना है, तो उनका व्यक्तिगत तो कोई लाभ है नहीं, पार्टी का भी कोई लाभ नहीं, देश में संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा तो कोई गुनाह कर रहे हैं? आदरणीय देशवासियों, अनुराग ठाकुर ने अपना जो वक्तव्य दिया ये भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य है, ये BJP की सोच है कि ये जातिगत जनगणना के विरोधी लोग हैं, ये एहसास कराया हमने। मैं मानता हूं अनुराग ठाकुर जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने BJP की सोच को देश के सामने रखा। और जहां तक राहुल जी का प्रश्न है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति लगातार अपनी बात कहते रहेंगे और लगातार जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी कराकर कहा कि ये 3C की सरकार है, करप्शन की सरकार है, कर्ज की सरकार है और क्राइम की सरकार है। तो जब करप्शन होता है, अभी उज्जैन का एक मामला है मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र का, वहाँ PWD की एक सड़क है पर कागज में पेमेंट हो गया, जमीन पर सड़क नहीं बनी। ये भारतीय जनता पार्टी करप्शन, मैं धन्यवाद देता हूँ BJP के विधायक जी को कि इतनी हिम्मत है अभी BJP के लोगों में कि अपनी सरकार से भी सवाल कर ले, ये कम लोग हैं BJP में, बधाई के पात्र हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।